हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका शास्त्री एस्ट्रो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू धर्म के एक बहुत ही खास त्यौहार व्रत के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, जो ये व्रत है वो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की, जो कि इस साल 23 जून को आ रहा है। अगर आप अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो इस 23 जून को आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। मान्यता है कि साल में 24 एकादशियां आती हैं और महीने में 2 एकादशियां आती हैं। अगर आप इन 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप साल में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। 24 एकादशियों के व्रत जितना ही जो फल है और जो पुण्य है वो निर्जला एकादशी से मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत 23 जून को 3:19 पर आरंभ होगा और इस व्रत का समापन अगले दिन 24 जून को 3:52 पर समाप्त होगा। जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें आपको पूरा दिन व्रत में कुछ नहीं खाना है और ना ही कुछ पीना है। जो आपका व्रत है वो अगले दिन द्वादश तिथि को सूर्योदय के बाद ही खुलेगा। दोस्तों, जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन तो है, लेकिन इसका फल भी उतना ही ज़्यादा मीठा है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म में ये कितना महत्व रखता है। इसके अलावा हम साथ ही जानेंगे कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखने से क्या फायदा होगा। दोस्तों, जो निर्जला एकादशी का व्रत का संबंध है वो महाभारत काल से है। पांडवों ने भी इस व्रत को रखा था और वो भी उन्होंने धन पुण्य और मोक्ष की कामना के लिए इस व्रत को रखा था। दरअसल पांडवों के काल में पांचों पांडव महर्षि वेदव्यास के पास गए और उनसे पूछा कि धन, काम, मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति के लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। तब वेदव्यास जी ने पांडवों को बताया कि साल में 24 एकादशियां आती हैं और अगर आप इन 24 एकादशियों का व्रत करते हैं तो आपको जीवन के सभी सुखों की तो प्राप्ति होगी ही, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तब पांचों पांडवों ने अपनी माँ कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। जैसा कि सभी जानते हैं कि भीम जो थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उन्हें खाने का भी बहुत शौक था। वो कभी भी खाने के बिना नहीं रह सकते थे और वो बहुत ही ज़्यादा भोजन करते थे, इसलिए महीने में 2 एकादशी का व्रत रखने में भीम को बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगी। उन्होंने इसका उपाय ढूंढने की सोची और इसके उपाय के लिए वो स्वयं महर्षि वेदव्यास के पास गए। भीम ने वेदव्यास जी से कहा कि एक महीने में 2 एकादशी का व्रत रखना उनके लिए बहुत कठिन है और वो अपनी भूख को शांत करके नहीं रख सकते हैं। तब वेदव्यास ने कहा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए और सभी सुखों की प्राप्ति के लिए एवं शक्ति के लिए ये व्रत रखना अनिवार्य होगा। तब भीम ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा व्रत नहीं है जो इन 24 एकादशियों की जगह एक ही दिन रख कर इनके जितना फल प्राप्त कर दे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि अगर आप साल में 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते हैं तो साल में एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत ही रख लें, लेकिन ये व्रत बाकी एकादशी से बहुत ज्यादा कठिन होता है क्योंकि इसमें आपको पूरा दिन बिना जल ग्रहण किए और अन्न ग्रहण किए व्रत रखना है और ये व्रत अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही खुलेगा। तब भीम ने कहा कि वो 24 एकादशियों का व्रत रखने की जगह उनके समान जितना फल देने वाला निर्जला एकादशी का व्रत ही रख लेंगे। इस तरह निर्जला एकादशी का व्रत चूंकि भीम ने भी रखा था इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और पांडवों ने भी एकादशी का व्रत रखा था इसलिए इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब तो आप जान गए ना कि निर्जला एकादशी व्रत का जो महत्व है वो कितना पुराना है और सदियों से लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखते आ रहे हैं। तो अगर आप भी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं और अपने जीवन को सुख और संपत्ति से संपन्न करना चाहते हैं तो आप भी इस साल 23 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ निर्जला एकादशी की पूजन विधि।
निर्जला एकादशी के दिन यानी कि 23 जून को प्रातःकाल उठकर स्नान करें और इसके बाद अपने घर के पूजन स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और आपको भी पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और मन ही मन भगवान विष्णु की आराधना करनी है। सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उनसे कहें कि आप निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं और इस व्रत को पूरी श्रद्धा से संपन्न भी करेंगे। साथ ही भगवान विष्णु से अपने मन की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना भी करें और उनसे मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन आप दान भी कर सकते हैं। इस दिन गौ दान का भी बहुत महत्व है। इसके अलावा आप अपने सामर्थ्य और क्षमता अनुसार वस्त्रों का, अन्न का या अन्य किसी वस्तु का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों पूरा दिन आपको निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना है, यानी कि अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात स्नान करें और ब्राह्मण को भोजन और अन्न खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मण का आशीर्वाद लें और इसके बाद ही आपको अन्न और जल ग्रहण करना है। इसी से आपकी निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो समाप्त होता है और आपको इस व्रत के का पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं या मृत्यु से के समय जो मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है उससे मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं और इसका आप कोई सबसे सरल रास्ता चाहते हैं तो वो निर्जला एकादशी ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में साल में बहुत सारे व्रत और त्योहार आते हैं। अगर आप उन व्रत और त्योहारों को नहीं रख सकते तो उनके जितना समान फल आप निर्जला एकादशी व्रत से पा सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत रखने से आपको मृत्यु के समय होने वाले कई तरह के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों मैं कामना करती हूँ कि ये निर्जला एकादशी व्रत रख कर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।